नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट कैसा टर्नआउट हुआ। दूसरी बात करेंगे, आज वीकेंड है तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि आगे इस वीक में मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्राइडे को मोमेंटम हुआ वो किस तरह का मोमेंटम था। तो अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे फ्राइडे के मोमेंटम को, तो देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम फ्राइडे को हुआ कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सर अरे इस तरह का मोमेंटम, अभी जब मैं अगर 1 आवर चार्ट पर जाऊंगा तो लास्ट के कुछ 1 घंटे में मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आ गया। ठीक है, मार्केट ठीक ठाक सी दिशा में ऊपर चल रहा था और उसके बाद जो इस पर्टिकुलर अराउंड 17,400 जो आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, वो आप किसी भी हालत में, ये जो मोमेंटम था ये किसी भी हालत में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज पे अफसोस करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, इससे हमें एक सीख ये मिल रही है कि बॉस या तो आपकी पोजीशंस हेज्ड होनी चाहिए। हेज पोजीशन का एक फायदा क्या होता है कि अगर आपकी एक कोई लेग आपका लॉस दे रहा है तो दूसरा लेग आपको उस लॉस को बड़ा होने से बचाता है। ठीक है, आपको अगर एक अगर आपका केवल सिंगल लेग होगा तो अराउंड आपको 4,000 का लॉस हो रहा होगा। वहीं अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है तो मे बी आपको 2,500 या 2,000 का लॉस हो रहा होगा। राइट, तो पोजीशन हेज रखने का ये एक फायदा है। दूसरा स्टॉप लॉस। राइट, तो अब चलिए जो ये जो मोमेंटम हुआ उसके बाद अब आगे किस तरह का हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी का हमें वीकली एनालिसिस कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट, मान लीजिए जो फ्राइडे का मोमेंटम होता वो नहीं होता, तो मार्केट कुछ इस तरह की क्लोजिंग हमें प्रोवाइड करता। राइट, जो कि एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग होती, परंतु मार्केट में एक हमें अभी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है फ्रॉम 200 एंड 100 DMA। ठीक है, 100 DMA और 200 DMA समय एक रिजेक्शन देखने को मार्केट में दिखाई दे रहा है वीकली कैंडल पर। ठीक है, तो और अब मैं यहां पर आपसे ये कहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं कि यहां से थोड़ी पॉसिबिलिटी मार्केट में बन जाती है नीचे साइड पे ट्रेवल करने की, परंतु मैं तब भी आपसे यही कहूंगा कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अनलेस आप मार्केट या तो ये वीक का लो या फिर 17,800 का लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक हम एग्रेसिव सेल मार्केट में नहीं करेंगे। सॉरी, 17,000 है, 16,800 का, ये जो 16,800 का लो है ये मार्केट जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक हम एग्रेसिव सेल मार्केट में नहीं करेंगे। जैसे ही 16,800 का लो क्रॉस होता है तब हम एग्रेसिव सेल मार्केट में कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब आप अगर ये एक डोजी देखेंगे तो इसके अंदर ये इनसाइड कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो इसका कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब ये कैंडल, ये जो हमारा मार्केट है, इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, इसका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। राइट, तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पर, एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे लगता है यहाँ पर मिल सकता है अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लो जो कि 16,800 का लो, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है। तो अब अगर डेली हम एनालिसिस करते हैं तो डेली एनालिसिस पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये, आप अगर ये दो कैंडल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर और हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है कि बॉस हाँ मार्केट में थोड़ा सा और डाउनसाइड मार्केट दे सकता है, परंतु मैं आपसे तब भी यही कहूंगा कि जब तक ये पर्टिकुलर स्विंग के नीचे मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या तो आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए इस तरह से, इस ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे नहीं जाता है तब तक मैं किसी भी तरह की आपको बड़ी सेलिंग करने को नहीं बोलूंगा, या फिर ये स्विंग आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेड करना चाहते हैं तो ये स्विंग आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप, हाँ, और एक बात अभी समझ में आ रही है कि मार्केट अभी बेरिश दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मार्केट, या तो मार्केट बेरिश रहेगा या मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में दिखाई दे रहा है, ये जो एक आप बड़ा रेंज, मैं ये कह सकता हूँ कि इतने दिन से मार्केट इसी पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये रेंज से जब तक मार्केट बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें कोई बढ़िया ट्रेड मार्केट में मिलने वाला है नहीं। राइट, तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, वीकली एनालिसिस भी मार्केट में यही दिखा रहा है कि अपसाइड से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाला मार्केट आपको साइडवेज टू बेरिश मार्केट दिखाई दे रहा है, बेरिश टू साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट आपको उसी रेंज में दिखाई दे रहा है। राइट, बैंक निफ्टी भी आपको, अगर मैं एक ब्रॉडर रेंज मार्केट में बनाना चाहूंगा तो मैं इस तरह की रेंज बैंक निफ्टी के लिए भी
ये रेंज मार्केट में बना सकता हूँ, करेक्ट, ये एक रेंज में बना सकता हूँ, इस बड़े रेंज में मार्केट अभी भी है, तो इस रेंज से मार्केट का वास्ता कब छूटेगा, जब 35,500, वहां पर कौन सा लेवल था 16,800, यहाँ पर 35,500 के नीचे जब मार्केट आना शुरू करेगा, तब हमें यहाँ पर आगे के निचले स्तर पर सेलिंग देखने को मार्केट मिल सकती है। इमीडिएट आपको 35,000 का लेवल देखने को मार्केट में इजीली मिल सकता है, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर वीकली एनालिसिस देखते हैं चलते हैं, तो वीकली एनालिसिस भी ऑलमोस्ट निफ्टी के जैसे मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे सकता था, परंतु 100 और 200 डीएमए से यहाँ पर रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस रिजेक्शन की वजह से थोड़ा सा बेयरिशनेस दिखाई दे रही है, राइट। तो ये यहां पर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अनलेस मार्केट ये पर्टिकुलर स्विंग के नीचे नहीं जाता, जब तक तब तक मैं किसी भी तरह का सेल करने के लिए मार्केट में तैयार नहीं हूँ, ठीक है। जब मार्केट इस स्विंग के नीचे कर ट्रेड करना शुरू कर देगा, तब मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ। अगर हाँ, आपने एक लंबे टर्म के मतलब इस वीक के लिए अगर पोजिशन है, तो कॉल सेल की तरफ आपने जाना चाहिए, सीइंग दी मार्केट, जो मार्केट जिस तरह का दिखाई दे रहा है, तो उस मार्केट में हमें कॉल सेल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन होना पड़ेगा। सेफर लेवल की तरफ जा सकते हैं, जैसे 37,000 की तरफ जा सकते हैं, 36,000 की, 36,000 तो भी एग्रेसिव लेवल हो जाएगा, 37,000 मुझे लगता है कि ठीक लेवल होगा, जहां पर आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं मार्केट को, साथ ही साथ आपको कुछ मार्केट प्रॉफिट भी दे देगा, करेक्ट। तो अगर ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखी जाए, तो निफ्टी में ठीक ठाक सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, 17,000 और 17,100 का लेवल, ठीक है, 17,000 एंड 17,100, ये दो लेवल से भी ठीक ठाक सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, बट रेजिस्टेंसेस थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर भी। ओके, पीसीआर देखेंगे तो 0.7 है, जो कि स्टोरी अच्छे खासे से बयां कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो खासा नीचे कोई बैंक निफ्टी में सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में कोई बड़ा समय यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जितने बड़े यहाँ पर हमें रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, करेक्ट। एफआईआई डेटा अगर हम देखते हैं, तो एफआईआई डेटा भी यहाँ पर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, तो आपको एक कंक्लूसिव एक्टिविटी समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, परंतु ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल में भी बाइंग है, पुट्स में भी बाइंग है, और इंडेक्स फ्यूचर में भी बहुत छोटी क्वांटिटी में बाइंग हुई है। तो स्टॉक को देखकर ये केवल समझ में आता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलिंग का माहौल दिखाई दे रहा है, बट ऑप्शन और फ्यूचर से कुछ आप स्ट्रांगली डिराइव नहीं कर सकते हैं। पुट्स थोड़े से ज्यादा है यहाँ पर, बट कॉल्स भी, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से दोनों बराबर ही चल रहा है, राइट। तो बहुत सिंपल सा वर्डिक्ट क्या है कि मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए फ्राइडे को एक नेगेटिव क्लोज दिया है, परंतु हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में कब करेंगे, जब मार्केट 16,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, टिल देन हम क्या कर सकते, तब तक कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल सेलिंग की जा सकती है सेफ लेवल्स की, यानी 17,200, 17,300 और इन लेवल्स की आप कॉल सेलिंग कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि है यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर अगर आप वीकली एनालिसिस देखेंगे, तो यहां पर एक डोजी कैंडल मार्केट बनाता हुआ हमें समझ आ रहा है। तो मार्केट ने एक स्ट्रांग आपको अपट्रेंड दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक स्ट्रांग अपट्रेंड मार्केट दे रहा है यहां पर। तो यहां से एक एक चीज तो ये भी मतलब देखिए, डोजी कैंडल से हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी इनडिसीजन मोड में, ठीक है। इनडिसीजन है तो मार्केट को भी समझ नहीं आ रहा कि अभी कहां पर जाना चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लो और इस पर्टिकुलर हाई को मार्क कर लीजिए। यहां से एक तो आप क्या कर सकते हैं, इन लेवल्स का स्ट्रैंगल लगा सकते हैं मार्केट में। दूसरा, जब मार्केट किसी भी पर्टिकुलर लो को या हाई को मार्केट क्रॉस करेगा, तब अपनी पोजीशंस को आप एक साइड पर क्लोज करके एक साइड पर रनिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो फ्यूचर सेल किए जा सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर डेली कैंडल पे मार्केट को देखा जाए, तो अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट में ये रिट्रेसमेंट कह लीजिए आया है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट को पहले अपसाइड पर जाकर इस तरह से पैटर्न बनाना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम देके फिर मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, तब एक अच्छा मार्केट में मूव दिखाई दे सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट अगर यहीं से नीचे आना चाहे, तब भी मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है। तब आपको अगर, जब मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे अगर मार्केट आने लग जाता है, तो हम यूएसडी आईएनआर को नेगेटिवली देखना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और यू डॉलर का एनालिसिस, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमेशा की तरह आपसे ये कहूंगा, बस पैसा आपका है, आपको सोच समझ के ट्रेड करना है, और
स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। हेज कम आपको प्रॉफिट कम देगा, बट आपका लॉस भी वहां पर कम होगा, ठीक है। और पैसा बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट, पैसा रहेगा तो आप ट्रेड कर पाएंगे आगे, करेक्ट। इसी के साथ आई विश यू सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल।